दोस्तों, तो आपका स्वागत है द यू टेक में। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंटरव्यू की बातें बताएंगे, जैसे कि आप माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे बहुत सारा सवाल किया जाता है, चाहे आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या हो सकती है, इसी के बारे में पूरी ये वीडियो होने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नई नई जॉब से रिगार्डिंग वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस में, ये वीडियो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंटरव्यू के लिए है, क्योंकि बहुत सारे भाई के मन में ये सवाल पैदा हुआ है और बहुत सारे भाई हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट किए हैं कि वो इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। पहली बातें बता दें दोस्तों, यहाँ पे अगर फील्ड ऑफिसर की जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, चाहे कोई भी बैंकिंग सेक्टर में, तो वहां पे आपको दो, मतलब पहला तो 50% का क्वेश्चन होता है जो आपको लिखित परीक्षा के मतलब जैसा होता है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है, लिखित नहीं रहती है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है। उसमें से ज्यादातर मैथ रहती है और उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश रहती है और नॉलेज, जनरल नॉलेज रहती है। ये हो गई 50%। इसमें आपको 30-40 नंबर आना चाहिए। वो मैटर करती है कितना वहां पे इंटरव्यू देने गया है, ठीक है? वो मतलब ये आप नहीं सोच सकते हैं आपका। कभी कभी जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो उस टाइम में वहां पे मेरा 32 नंबर आया था और वहां पे बहुत सारे लोग नहीं थे, फिर भी मतलब 15 से 20 लोग वहां पे गए हुए थे, तो 32 नंबर पे मेरा हो गया था और मेरे से मतलब 29 नंबर वाले का भी हुआ था, उससे नीचे नहीं हुआ था। तो ऐसा कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 38-40 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस की बातें मैं कर रहा हूँ और बैंकिंग सेक्टर की भी बातें आपको आगे बताएंगे, पहले माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, आपको जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप सिर्फ इंटरव्यू देने के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है वहाँ की बातें हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मान के चलिए कि एग्जाम और इंटरव्यू दोनों है, तो वहां पे इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप इंटरव्यू देने जाएंगे। एग्जाम निकालने के बाद मतलब 50% का जो क्वेश्चन पास आउट होंगे वो निकालने के बाद जाएंगे, तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यही सिर्फ आप कहाँ से आए हो, पहले आपने कहीं काम किया है कि नहीं, ये सब। अगर आप फ्रेशर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नहीं रखा जाएगा, रखा जाता है। ये हो गई बात आपको एग्जाम और ये वाला, ठीक है, इंटरव्यू की। अब जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है वहां पे क्या क्वेश्चन किया जाता है, तो पहले ये जान ले। अब जहां पे इंटरव्यू है वहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे कि आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि नहीं, इस चाहे कोई दूसरे कंपनी के बारे में बता देंगे, चाहे कुछ पढ़ने के लिए आपको बता देंगे, जैसे कि इंग्लिश में कोई पेपर होगी उसको आपके सामने दे देंगे और बोलेंगे कि ये पढ़ो, मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि ज्यादा हार्ड ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें दो फेज में इंटरव्यू होता है, कभी भी ध्यान रखिए, इसमें दो फेज में इंटरव्यू होता है। पहला आपको एक मतलब मैम होती है, चाहे कोई भी होते हैं, मतलब वो फर्स्ट इंटरव्यू आपसे बोलेंगे, और सेकेंड इंटरव्यू जो होता है जो एचआर के सामने होता है, वो इंटरव्यू, सिर्फ ये इंटरव्यू जहाँ पे होगी यहाँ पे ये सब मैटर करती है, ठीक। बात होगी इंटरव्यू की, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, जैसे कि आप कहाँ से आए हो, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसा कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लेटर तक आपसे लिखा दिया जाएगा, आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि नहीं आप इंग्लिश में ही लिखो, आप हिंदी में भी लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बोलेंगे कि छुट्टी पे, जैसे कि हमारे कंपनी से आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लेटर कैसे लिखोगे, ठीक है, ये फील्ड ऑफिसर की होगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर एबीएम बनना हो, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में अगर आपको एबीएम बनना हो या बीएम, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, इसके बाद बात करेंगे हम ऑप्शन मैनेजर के लिए, जो मतलब कंप्यूटर, जो बैक ऑफिस जो बोला जाता है ना, बैक ऑफिस ऑपरेटर, बैक ऑफिस मैनेजर, इसकी बातें करेंगे आगे, जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग या कैशियर की काम करती है। तो चलिए पहले एबीएम और बीएम की बात कर लेते हैं। तो एबीएम और बीएम में आपको पहला तो 3 साल, 2 साल या 1 साल की एक्सपीरियंस हर एक कंपनी आपसे मांगती है, ये पहला है। तो जहां पे दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना, वहां पे एक मैटर आपके मतलब आपसे, ये तो फायदा आपको वहां पे रहेगा जहां पे आप एक्सपीरियंस करके कहीं जाओगे, तो ये रहेगा कि आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आप उस कंपनी में क्या काम किया है और वहां से आपको क्यों निकाला गया है, या खुद से आपने छोड़ा, और छोड़ा भी वहां से जो छोड़ा भी आप, तो क्यों छोड़े हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको एंसर क्या देनी है, पहली बातें हम बता दें, यहाँ पे आपको एंसर देनी है कि हाँ मुझे वहां सैलरी कम लगी, ठीक है,
ये भी बोल सकते हैं आप। सैलरी कम लगने का मतलब ये होता है कि हाँ उतना में मुझे, मतलब आपके अंदर टैलेंट है और उसके हिसाब से वहां पे सैलरी आपको नहीं मिल रही थी तो आपने एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया। चाहे ये भी आप बोल सकते हो कि घर की सिचुएशन मतलब खराब थी, वहां पे कोई नहीं था, तो ये भी कर सकते हो, ये भी मैटर हो जाता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इस समय आप बच सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे भाई तो ऐसे भी छोड़ देते हैं जो उनको लगता है कि नहीं इस जॉब से हमें कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो ये बातें डायरेक्ट आप जाके कोई भी इंटरव्यू में नहीं बता सकते हैं कि हाँ मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया, तो वहां पे आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ब्रांच ऑप्शन मैनेजर की, जो बैक ऑफिस ऑपरेटर या बैक ऑफिस मैनेजर जिसको बोला जाता है उसके बारे में। यहाँ पे आपको क्या इंटरव्यू और क्या एग्जाम होती है और आपको इंटरव्यू कितना होता है। बैक ऑफिस ऑपरेटर या मैनेजर जो भी बोलिए, उसमें क्या होता है कि वो एक कैशियर की पोस्ट होती है या अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, दोनों एक ही बोला जाता है, कैशियर या अकाउंटेंट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कैशियर और अकाउंटेंट का एक ही पोस्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्या इंटरव्यू और क्या एग्जाम होती है। एग्जाम आपको यहाँ पे मतलब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एक्सेल पे आपसे काम कराया जाएगा, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की किसी भी सेक्टर हो, ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे ही 60 नंबर का या 50 नंबर का, 40 नंबर का क्वेश्चन होता है वहां पे, मैंने देखा है, मैंने खुद इंटरव्यू दिया हूँ ब्रांच ऑप्शन मैनेजर की और ब्रांच ऑप्शन ऑपरेटर सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जाता है ये आपको बाद में हम बताएंगे, पहले आपको जो एग्जाम होती है ना कंप्यूटर पे उसके बारे में बताते हैं। और ये एक फ्रेशर जॉब है, ये मतलब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो भी आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर जॉब में क्या पूछा जाता है, पहले आप देख लीजिए, एक्सेल पे आपको भी लॉकअप और स्लॉकअप आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, कुछ कुछ फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जैसे जोड़ने का, घटाने का, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये सब का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये सब वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यही सब की ज्यादा वहां पे काम होती है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना भी पड़ता है कभी कभी, टाइपिंग स्पीड भी आपसे देखा जाता है। और ये बात बताइए, मेरे खुद उस टाइम टाइपिंग स्पीड पता है कितना था मेरा, 10 मतलब 10 का स्पीड या 15 का स्पीड मेरा वहां शो हुआ था, नहीं 18 का स्पीड शो हुआ था, लेकिन हमारे एक दोस्त का 10 का भी स्पीड था, उसको भी लिया गया था उस टाइम, तो उस टाइम उसका एग्जाम में ज्यादा नंबर आया था, ठीक है। तो यही था। और उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो इंटरव्यू में ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको जैसे कि कोई भी जगह ज्वाइनिंग करा दी जाती है, तो ऐसा भी हमारे साथ भी हुआ था। तो ये भी मतलब इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाई हमारे डर जाते हैं इंटरव्यू देने से पहले, तो आप इंटरव्यू देने से पहले कभी ना डरे, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपने ये देखा ना कि 50 नंबर में इतना हल्का क्वेश्चन रहता है ना कि आप आराम से मतलब 40 30 40 नंबर तो आराम से ला सकते हो। मैं खुद पढ़ के नहीं गया था, मुझे खुद पता नहीं था, फिर भी मैं उस टाइम इंटरव्यू फेस कर लिया था और निकल भी गया था। आगे दोस्तों बताएंगे नई जॉब के बारे में और जॉब के साथ साथ आपको इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको अभी मैंने माइक्रो फाइनेंस की बताया और बैंकिंग सेक्टर में कैसे इंटरव्यू होती है ये भी बताएंगे। तो आगे का वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे नई नई जॉब से रिगार्डिंग वैकेंसी की जानकारी और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कि आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, और बहुत सारी जगह की जानकारी मिलेगी जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। तो चलिए यही बताना था इस छोटी सी वीडियो में, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए।